हाँ जी 100 मिलियन क्लब में शामिल होने वाला है इनका गाना देवा तेरा मासूम चेहरा। तो आप इनके मासूम चेहरों को जब जब देखती हैं तो क्या याद आता है आपको? लाइक ऐसे बेवफाई तो नहीं याद आती है, ये इम्पोर्टेंट है। इनका मासूम चेहरा छुपे रुस्तम तो ये हैं, ऐसे भी नहीं है कि इतने मासूम है, पर है इतने बिगड़े हुए भी नहीं है, लेकिन घर पे देखिए बाहर नहीं मतलब छुपाते हैं सारी चीज़। छुपे रुस्तम है मतलब जो दिखाते हैं सबको प्यारे प्यारे गुडी टू शूज, वो भी है पर बदमाशी भी है। ये जो लुक है इनका लाइक मूंछ वाला, तो ये आपको कैसा लगता है? मुझे अच्छा लगा, आई थिंक इट वाज अ गुड फ्रेश चेंज, इज लुकिंग गुड ऑन हिज फेस। एक्चुअली 14 साल से वो उन्होंने मुझे क्लीन शेवन देखा है, सो आई थिंक कहीं ना कहीं एक नई लुक के साथ शायद आदमी भी थोड़ा नया लगता है। हां वो भी है, बोर भी हो जाता है ना, अब कितने 14-15 साल होने वाले हैं साथ में, दैट्स व्हाई। लेकिन ऐसा लगता नहीं जैसे लगता है कि जस्ट अभी मिले। और ऐसे फैंस भी ऐसे बहुत सारी बातें करते हैं कि साथ में दोनों के ऐसे प्रोजेक्ट हम देखेंगे, लाइक ऐसे म्यूजिक वीडियो। निशा जी आप पहले एक म्यूजिक वीडियो हमने किया था जो पता नहीं कहां पर है, आई थिंक थैंक्स टू द लॉकडाउन। यस बट एक और इज इन द पाइपलाइन, समथिंग दैट वी माइट बी डूइंग। फिलहाल हमारे इंस्टाग्राम पेजेस से उन्हें काम चलाना पड़ेगा, बट जल्दी कुछ करेंगे। आई रियली वांट टू गिव देम ऑल माय विशेस बिकॉज़ आई थिंक इतने लंबे साल ऑफ सो मच ऑफ टॉर्चर ऑफ कोरोना वायरस, आई थिंक लोगों को खुशियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड दिस इज़ एन अमेजिंग प्लेस, बहुत सारी प्रिकॉशंस यहाँ पर ली जा रही हैं जो सबसे प्राइमरी इम्पोर्टेंस की है, बिकॉज लोग घर से बाहर आने में अभी भी डर रहे हैं, हम भी डरते हैं। हमें लग रहा था ओ माय गॉड पार्टी होस्ट कर रहे हैं, बट इट्स ऑल सेफ। हम बहुत दिनों से यहाँ पर करण आ रहे हैं चंडीगढ़ से भी, ही वाज ट्राइंग टू कोऑर्डिनेट, मास्क पहन के आ रहे हैं, मास्क पहन के अब हमने निकाला हुआ है क्योंकि आप लोगों से बात कर सकें। बट इट्स अ वेरी सेफ प्लेस, लव द फूड, द स्पेशली द शेफ्स हैव कम फ्रॉम दिल्ली, तो दिल्ली का खाना आपको यहाँ खाने के लिए मिलेगा। The ambiance is very good. It's a big place, so social distancing की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. And Club Bombay, you know, amazing. It's a nice space for the club, and also एक family restaurant भी है, the Shisha Sky Lounge. So you can come with family, and it's a quiet place, and you have live bands also, so it's nice. Yes, and also in Bombay, apparently this is the only place that has been licensed for Shisha. That yeah, makes it so special. So you don't really have to go out looking for shisha. If you really want to have it, then this is the place. How big foodies are you? I'm a bigger foodie than him. Ye to bas Punjabi, Punjabi, Punjabi khana. But Indian, I like Indian. Mediterranean. I like to experiment with my cuisine. Jab hum mile the, actually it was all about dim sums ka fever tha tabhi mujhe, and I could have dim sums for breakfast, lunch and dinner. But Karan was into dal makhani. इतना मतलब चाइनीज जिंदगी में नहीं खाया था जितना इसके साथ खाया था। क्या था मैं लग भी चाइनीज लगने वाला हूं। लड़की पटाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती थी ना पहले, जो आजकल तो इज जस्ट अ क्लिक अवे, सो वैसा वाला टाइम चले गए। वेल आई रियली होप दैट वी रीच द 200 मिलियन क्लब एंड मीट एवरीबॉडी अगेन हियर, होपफुली इन अ कोरोना फ्री वर्ल्ड, बट आई होप दैट आई डोंट हैव टू वेट सो लॉन्ग। बट आई एम रियली हैप्पी, इट्स अ ग्रेट नाइट, हैप्पी वाइब्स, all the people we love are going to be here in some time, and we are very happy to meet everybody after so long. Thank you everyone for coming. Correct, absolutely. Well I think I've been knowing Karan from his initial years of modeling, since I'm also into casting, so he did a couple of ads through me way back. And to see his growth in leaps and bounds is amazing. It's his journey which he has transformed as an artist is amazing, and I'm so proud that he is also into directing, and this music video was something out of the box, and all the very best to him as well. Yeah, and also to the launch of the club, yeah, all the very best. Yeah. Thanks so much, thanks. Yeah, sure. Absolutely. Thanks so much. Thanks, Parul.
मैं एक्साइटेड एक्चुअली पहले बहुत ज्यादा था जब मैं गाना करने के लिए यू नो मुझे कॉल आया था और मुझे पता लगा था कि सर भी भाई गाने में है तो मैं काफी एक्साइटेड था क्योंकि टीम बहुत बड़ी थी गाना बहुत बड़ा था एंड अब तो खैर खुशी है एक्साइटमेंट तो इतना नहीं सोचा था कि इतना होने वाला हां इतना नहीं सोचा था एक्चुअली आपने भी नहीं सोचा था नहीं नहीं बिल्कुल किसी ने नहीं सोचा था बट वी हैड अ लॉट ऑफ फन ऑन द सेट्स मुझे अभी भी याद है कि मस्ती मस्ती और हंसते खेलते तो काफी कुछ हो ही गया काफी मस्ती तो की हमने यहां के साथ वो ऐसे बोल सकते हैं याद ही है वो भी सो बहुत बहुत हंसती है वो यस इंसिडेंट तो मतलब सारी इंसिडेंट डाला था एक वो तो मुझे याद है रिक्शा वाला वो रिक्शा वाला तो याद ही है वो बता दो भाई एक्चुअली शूट के बाद हमें भूल गए कास्ट को एंड और हम गेट पर खड़े थे कि हमें कोई होटल तक हमारी जो जहां हम शूट कर रहे थे वैनिटी वैन तक तो पहुंचा दे वैन तक तो कोई पहुंचा दे बट कोई सब लोग भूल गए सब भूल गए सो हमने एक और देखी थी इलेक्ट्रिक रिक्शा एंड तब हमें आईडिया आया कि तो हमने रोक लिया उसको कि चलो तो हमारे 8 बाउंसर्स रिक्शा के साथ मैं और यहां अंदर बैठे और रिक्शा के साथ भाग रहे थे वो भागे तो सब 1 किलोमीटर तो भागे 1.5 किलोमीटर और सब लोग हमें देख रहे थे कि ये लोग कौन है अंदर है कौन लोग काफी दो पट्टियां बांध ली अपने पैरों में तो यू नो वहां से 3 दिन तक ऐसे शूट होता रहा सो अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड लॉट ऑफ स्ट्रगल्स वर आल्सो हैपनिंग बट हंसते खेलते टाइम निकल गया मजेदार एंड इट्स रीच्ड वेयर सो आई थिंक वी आर जस्ट थैंकफुल दैट एवरीबॉडी इज लविंग द सॉन्ग थैंक यू आज भी फोटो होगी इनकी यस यस आपके साथ हां आज हम मेरे साथ मैं बोल रहा कि दिस कॉल सर या कूल गुड थैंक यू आज हो यस एक्चुअली आई एम वेरी हैप्पी कि मैं आज यहाँ पर आई क्योंकि ये अब गाना मेरे भी एक प्लेलिस्ट का एक हिस्सा बन चुका है बिकॉज आई रियली लव द सॉन्ग एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस लुकिंग फॉरवर्ड फॉर समथिंग मोर एक्साइटिंग वेरी ब्यूटिफुल थैंक यू सो मच First of all, many congratulations, Karan, Nisha, our family to me, and this place looks amazing. And wishing everyone all the best. Yeah, thank you, Bubs. Well, Karan, जो भी कुछ करता है, it's always, always very special, and I'm so happy to be a part of his endeavors like this. And this is a fantastic place. All of you must come and visit because it's open air. It's always safe, especially in today's times. It's great to be at a place which is safe and protective for all the people around us. Thank you. Thank you.
बोलना चाहूँगा कि फॉर अ म्यूजिशियन इट्स अ डिलाइट व्हेन यू हियर सच अ गुड सॉन्ग मेलोडी एंड ऊपर से करण मेहरा जैसा चेहरा आ जाता है ऐसे गाने में तो गाने को चार चांद लग जाते हैं और नॉट ओनली इज अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग ही इज आल्सो अ ग्रेट एक्टर एंड ही इज हियर देखा क्या हाल चाल है भाई बिल्कुल फर्स्ट क्लास एंड फैंटास्टिक तुम्हारी तारीफ करते थक नहीं रहा था मैं अरे थैंक यू एंड जेन्युइन है बिकॉज़ ये मुझे तब से जानते हैं एक्चुअली एंड मेरे कहने से भी कुछ नहीं होता यू ऑल कैन सी दैट इट्स टचिंग 100 मिलियन सो या थैंक यू सो गाइस आई थिंक एवरीवन शुड स्प्रेड द वर्ड शेयर द सॉन्ग हूएवर इज वाचिंग दिस आई एम मिसिंग मीत भाई दो हां मनमीत इज बिजी या सो अ गुड सॉन्ग डिजर्व्स गुड पब्लिसिटी सो लेट्स ऑल हमारे वीडियो के लिए भी मैं बोलूंगा पारो चावला जी को मैं बोलूंगा कि थोड़ा पुल लगाएं और हमारे वीडियो में भी फीचर कराएं आपको यार ये तो मतलब पूछने वाली बात है कि कब थैंक यू सो मच एवरीवन कंग्रेचुलेशंस आप लोग इतने अच्छे लोग आए हो यहाँ पे और इतना अच्छा काम हो रहा है स्प्रेड द न्यूज पब्लिसाइज इट 100 मिलियन नहीं इसको 200 मिलियन बनाओ 300 मिलियन बनाओ और आगे बढ़ते रहे बिकॉज द गाइस रॉकिंग दिस प्लेस इज रॉकिंग और आप लोग रॉकिंग हो एंड स्टे कोरोना फ्री आई लव एवरीबॉडी यू नो दैट थैंक यू सो मच या व्हाई डोंट यू स्टैंड देयर दैट्स इट दैट ही कैन स्टैंड आजो कम एवरीवन स्टार्ट फ्रॉम योर या हेलो गैर हेलो क्लब बॉम्बे से हमारा ज्यादा क्लोज रिलेशन है बिकॉज द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल इज अ वेरी क्लोज रिलेशन या रोहित सो वी आर वेरी एक्साइटेड एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ हिम दैट
he's reached here aur hame to abhi we are looking forward, I know it's covid but we're looking forward to you know party here and have a good time.